दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी ने पिछले 11 सालों का सभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि दिल्ली का तापमान 3 डिग्री के नीचे लुढ़क गया है और उसके साथ दिल्ली का प्रदूषण भी लोगों को सता रहा है। आज दिल्ली के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीवांशु मल्होत्रा ने। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आज एक बार फिर से राजधानी में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल सुबह के करीब 7:27 का वक्त हो रहा है और तापमान 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने यही अनुमान लगाया है कि 3 तारीख तक इसी तरीके से तापमान जो है राजधानी में बना रहेगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल भी राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ तापमान जो है वो दर्ज किया गया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के नीचे पहुंच गया। और वहीं आज भी राजधानी दिल्ली में सुबह से ही जो सर्दी है काफ़ी कड़ाके की पड़ रही है। और उसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आज से राजधानी दिल्ली में कोहरा भी देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही कोहरा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी तकरीबन 200 से 250 मीटर के आसपास बनी हुई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र ऐप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दिल्ली के कौन से इलाके में कितना प्रदूषण है। ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो प्रदूषण है वो 405 बना हुआ है, यानी कि 7 गुना के आसपास PM2.5 ओवरऑल दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली के और इलाकों की बात करें, मथुरा रोड की बात करें, तो यहाँ पर PM2.5 457 यानी कि 7 से 7.5 गुना के आसपास बना हुआ है। दिल्ली के और इलाके की बात करें, लोधी रोड की बात करें, तो यहाँ पर PM2.5 375 यानी कि यहाँ पर भी 6.5 गुना के आसपास बना हुआ है। NCR की बात करें, गुरुग्राम में फिलहाल PM2.5 342 यहाँ पर भी 6 गुना के ज़्यादा बना हुआ है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी 490 यानी कि बेहद ख़तरनाक स्थिति में दिल्ली NCR का प्रदूषण पहुँच चुका है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में इसी तरीके से जो प्रदूषण का लेवल है करीब 4 से 5 जनवरी तक इसी तरीके से बना रहेगा। जाहिर सी बात है दिल्ली NCR में तापमान लगातार गिर रहा है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग सुबह अपने घर से निकलते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया कि 3 तारीख तक इसी तरीके से जो तापमान है वो गिरता रहेगा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री तक बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर का असर राजधानी दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर राजधानी दिल्ली में 3 तारीख तक देखा जाएगा। और 3 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं राहत मिलने के आसार मौसम विभाग की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन रविंदर के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़।